लेट्स मूव टू वर्ड्स इन अदर क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे यहाँ पे। अब मैं आपके क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व नहीं करूँगा, बट मैं करूँगा आपसे इनकी ट्रीटमेंट डिस्कस करूँगा, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सॉल्व द कम्प्लीट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर गाइडेंस बता दी है कि हमने सवाल किस तरह लेके चलना है। अब हम यहाँ पर थोड़ी बहुत इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे, ना कि हम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉपर क्वेश्चन आपने अब खुद सॉल्व करने हैं यहाँ से। मैं आपको सिर्फ इनकी एडजस्टमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, वो समझा दूंगा, बट मैं क्वेश्चन पूरा रीड करूंगा और अपने आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि पेपर में अगर इतने बड़े सवाल आ जाएं, आपने किस तरह से इफेक्टिवली मिनिमम टाइम में इनको मैक्सिमम सॉल्व करना है। तो हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, 20 नंबर का सवाल है, विच मीन हमें इसको कम्प्लीट करना है अराउंड 36 मिनट्स में। हमने ये सवाल कम्प्लीट करना है, तो हमारा जो लर्निंग, जो हमारा टेस्टिंग लेवल है, वो भी लेवल 2 है, और लेवल 2 भी यही कहता है कि ये मैक्सिमम सवाल जो आएंगे 20 नंबर के सवाल आए जाएंगे। अब इसकी रिक्वायरमेंट 2 हैं कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सी व्यू क्लब फॉर द पीरियड ऑफ दिस। हमने इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सी व्यू क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि रिक्वायरमेंट को आप केयरफुली पढ़ लिया करें, और ये बड़ा सवाल जो होता है, आप अपने माइंड में एक चीज़ को डेवलप कर लें कि आपने इसको एटलीस्ट 3 दफ़ा क्या करना है, पेपर में रीड करना है। आप पहली बार रीड करेंगे, आप कुछ समझ नहीं आएगा और आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे और अपनी किस्मत को कोसेंगे, काश आप 5-6 दिन और पढ़ लेते, और आप उस वक्त बैठ के एग्ज़ाम में नियत करेंगे कि अगली अटैम्प्ट, या अल्लाह बस इस बार ही पास करा दे, अगली अटैम्प्ट में पहले दिन से एग्ज़ाम ख़त्म सारे पढ़ना शुरू कर दूँगा, आप उस वक्त बैठ के नियत करेंगे। बट जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, यार हाँ इसमें कुछ ना कुछ मैं करके मार्क्स स्क्योर कर सकता हूँ। लेकिन जब आप थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपको सवाल क्लियर हो चुका होगा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके आप सवाल शुरू कर दीजिएगा। तो सवाल हम भी ऐसे शुरू करते हैं, बट मैं एक टाइम ही पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है सवाल में क्या है क्या नहीं है। अच्छा, सवाल है जी सी व्यू क्लब। सी व्यू से तो लोग आशना होते ही हैं, कराची वालों के तो मौजे हैं सी व्यू की, और जो बाकी होते हैं नॉन कराची के रेजिडेंट्स होते हैं लाइक लाहौरी वगैरह, उनकी तो ख्वाहिश ज़िंदगी की होती है कि ज़िंदगी में एक बार ही मरने से पहले वो सी व्यू का नज़ारा कर लें। लेकिन हम सी व्यू का नज़ारा नहीं, हम बल्कि सी व्यू क्लब का नज़ारा करने लगे हैं पेपर में बैठ के। अब वो कहते हैं सी व्यू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन फरवरी 2015। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015 और इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं 1 फरवरी 2015 के। मैंने इतनी लाइन पढ़ी, मुझे जहन में ये चीज़ अब जहन शीन कर लेनी है कि ये जो डाटा गिवन किया गया है पूरे 12 महीने का नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये फेब से लेकर दिसंबर तक है। मींस ये 11 मंथ्स का डाटा मुझे गिवन किया गया है, और ये पेपर पे फौरन लिख लो इस चीज़ को, ताकि वाइल कैलकुलेटिंग आपको पता हो कि आपने 11 मंथ की चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो। 12 महीने होते तो हम जनवरी शुरू करते, बट हम ये तो फेब से शुरू करें तो 11 महीने हैं, ठीक है। एंड फर्दर ही टोल्ड अस के स्पॉन्सर ऑफ द क्लब कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹50 मिलियन टूवर्ड जनरल फंड, के जो स्पॉन्सर अंकल हैं उसने 50 मिलियन दिया है टूवर्ड्स जनरल फंड फॉर द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन शुरू करने के लिए। तो जो 50 मिलियन हैं इसको आप यहाँ पर रख लें, ये कहाँ जाएंगे आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में, इक्विटी में जाएंगे, जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस के नाम से आप लिख सकते हैं, या आप फंड इंट्रोड्यूस के नाम से दे सकते हैं, या आप सिंपल जनरल फंड भी देख सकते हैं। एंड प्लेस द अमाउंट इन द बैंक, और ये बैंक में उसने रखवा दी अमाउंट, बैंक का ओपनिंग बैलेंस ये हो जाएगा हमारा। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 फरवरी टू दिसंबर। तो जो बैंक में हमने पैसा रखवाया वो आगे 50,000 रुपया, अब इस 50,000 रुपये को रिसीट में हम नहीं ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखना। मैं जैसे सवाल पढ़ता जाऊँगा उस तरह क्या होता जाएगा, उस तरह से ही मेरा ये मैं चीज़ों को हाईलाइट ओवर करता जाऊँगा। तो अभी हमने सवाल पढ़ना है, तो ज्वाइनिंग फीस उसने हमें ये अमाउंट गिवन किया है, सब्सक्रिप्शन ये दी है उसने, सेल ऑफ बेवरेजेस दी है। बेवरेजेस क्या होती है, जो हमारे रिंग्स वगैरह होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं उर्दू में बोतल, मैंने बोतल पीनी है, तो ये जो बोतल हैं आई थिंक इसको हम क्या कहते हैं बेवरेजेस कह रहे होते हैं। तो उसने पेमेंट की है, ये फर्नीचर फिटिंग ली है, फर्नीचर फिटिंग है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मेरा फिक्स एसेट है। वैन ली है, ये भी मेरा फिक्स एसेट है। सैलरीज रेवेन्यू नेचर का है, रेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, परचेज ऑफ बेवरेजेस ये सेल्स है, ये परचेज है, पकड़ लेते हैं। एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड, तो ये भी कहा जाएगा एडवांस, फिक्स एसेट में ट्रीट होगा। और ये उसने हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन किया है बैंक अकाउंट का, तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग हमारे लिए बड़े अहम होते हैं।
तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर ली। अब उसने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो गिवन की है वो है कि द ज्वाइनिंग फ़ी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज़ ₹50,000। जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो कितनी है? ₹50,000। एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है ₹24,000। ठीक है, ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो एनुअल फीस ₹24,000 हुई, इसका मतलब पर मंथ जो फीस हमारी बनती है 24,000 डिवाइडेड बाय 12 करें तो 2,000 बनती है। और हर बंदा क्या देगा? 3 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस देगा, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हर बंदा क्या होगा? 72,000 हमें एडवांस में जमा करवा रहा होगा। द मेंबरशिप वर अवार्डेड एज फॉलो। तो इस तरह से मेंबरशिप आई है। अब ये जो पॉइंट है ना मेंबरशिप की, सब्सक्रिप्शन इनकम का, सिर्फ इस सवाल में इस पॉइंट का ही ज़्यादा मार्क्स हैं। चलें ठीक है, 112 ज्वाइन किए इस तारीख को, 98 इस तारीख को, ये इस तारीख को और ये इस तारीख को। अब ये मकसद क्या है? देखें, 3 साल की मैंने सब्सक्रिप्शन ली है, हर मेंबर से ₹72,000, और जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन ली जाए वो मेरी क्या बनती है? वो मेरी लाइबिलिटी में चला जाता है, क्योंकि मेरा ये अनअर्नड इनकम होती है, इसको मैं लाइबिलिटी में शो करता हूँ। तो इस लाइबिलिटी में से मैंने करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन सेपरेट करना है। सिर्फ यहाँ पे ये गेम है, हम इसको आप देखते हैं जाके। पॉइंट टू में वो कहता है कि द क्लब सेल्स बेवरेज एट अ कॉस्ट एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹20%, कि वो जो बोतलें बेच रहा है उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 20% है। आप इंट्रो या पिछली अकाउंटिंग में इस चीज़ से आशना होंगे कि मार्कअप मार्जिन हमारा क्या होता है। ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि जो हम सेल्स करेंगे उसका बिल क्या भेजेंगे? अगले महीने के पहले वीक में हम उसका बिल भेजेंगे और उसी महीने में क्या होगा? हमें उसकी रिसीट मिलेगी। मतलब जो फेब की सेल्स की मैंने, उसका बिल चाहेगा मेरा मार्च के पहले वीक में, और मार्च के महीने में क्या होगी? मुझे उसकी पेमेंट मिल जाएगी। सो इस बेस पे मैं क्या करूँगा? इस बेस पे मुझे जो मेरे डेटर्स वगैरह होंगे उसको निकालना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अच्छा जी, कहते हैं सेल ऑफ बेवरेज ड्यूरिंग द मंथ December 15 अमाउंटेड टू रुपीज़ दिस। कि दिसंबर में सेल्स मैंने की हैं वो ये हैं। अब दिसंबर में सेल ये की हैं, इसका जो बिल जाएगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक में जाएगा और जनवरी में मुझे इसकी पेमेंट मिलेगी। तो ये अमाउंट मेरी क्या है? रिसीवेबल है। तो देखें, मैं सिर्फ अभी एडजस्टमेंट को पढ़ रहा हूँ और इसको सिर्फ मैं तर्जमा कर रहा हूँ कि उसने लिख। फिर कहता है 25% ऑफ टोटल परचेज ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? जो उसने परचेज टोटल की उसमें से 25% जो है हम सेल नहीं कर पाए, हमसे क्या करेंगे? इससे हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। हर महीने के हर अगले महीने के पहले दिन हम सैलरीज पेड करते हैं। फेब की सैलरीज मार्च में एंड सो ऑनवर्ड। अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड एडवांस ऑफ ₹10,000, जो 10,000 का हमने एडवांस दिया हुआ है पेड टू अनएम्प्लॉय ऑन 1st December। द एडवांस इज रीपेएबल ऑन दिस अमाउंट। तो ये हमने एडवांस भी दिया हुआ, ठीक है। अब सैलरीज के अकाउंट में वर्किंग होगी, हम उसको देखेंगे। रेंट फॉर 3 ईयर्स वॉज पेड इन एडवांस ऑन 1st February। हमें रेंट रिसीव हुआ है 3600 का, मतलब मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, 3600 का। तो इसमें से क्या है? हमें 3 साल का हमने रेंट हमने एडवांस पे किया है, तो हम इसमें से पोर्शन निकालेंगे फॉर द ईयर। प्रेजेंटली द क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन रेंटल प्रेमिसेस। अभी क्लब जो है वो किराए पे काम कर रहे हैं। However, a plot of land has been purchased. हमने एक प्लॉट ले लिया है on which the construction would commence shortly, जिसमें हम कारोबार जो construction है बाद में करेंगे। Title of land would be transferred after completion of legal formalities. जब हमारी legal formalities complete हो जाएंगी, इसका टाइटल जो है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट 7 में कहते हैं पेमेंट फॉर यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू यूटिलिटी कंपनीज अमाउंटिंग ₹20,000। इसमें जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है वो ₹20,000 है, ये रिफंडेबल होता है हमारे। देखते क्या है, और यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो हम 7 डे क्या करते हैं? हर मंथ की पे करते हैं, नेक्स्ट मंथ। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया यकम फेब को, कवरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो इसमें से 4 दिन हमने पीरियड निकालना होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ₹1,00,000 हमने एडवांस पे किया कॉन्ट्रैक्टर को फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ पार्किंग शेड। तो ये पार्किंग शेड हमारा क्या होता है? एसेट होता है, इसको हम निकालेंगे।
रिपेयर बिल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,000 वर आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, ये हमारा क्या है अभी पेएबल है निकाल देंगे। फिक्स्चर्स एंड फर्नीचर एंड वैन वर परचेज ऑन 1st Feb, डेप्रिसिएशन ऑन दीज फिक्स एसेट्स टू बी चार्ज एट 20% एंड 20%, 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। तो ये एक सवाल है जो काफ़ी अच्छा सवाल है CU क्लब का। तो अब इस किस्म का सवाल हो पेपर में आ तो बंदे का वैसे दिमाग ख़राब हो जाते हैं, तो बेहतर है आप इस सवाल को दूसरी बारी पढ़ें, तीसरी बारी पढ़ें, उसके बाद अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दें। अब देखें इसमें जो मैंने सवाल पढ़ा मुझे सबसे टेक्निकल बढ़ते हुए एडजस्टमेंट लग गई, ये इसका मैंने सवाल कर लिया। जो बाकी मेरी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं वो मुझे क्या करनी पड़ेंगी, पहले पहले रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। अब मैं इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आपको कैलकुलेट करना नहीं बताऊँगा, मैं सिंपल आपसे यहाँ पे इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दूंगा। SOFP जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वर्किंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम हमारी वर्किंग्स में तमाम बैलेंसेस वगैरह कैलकुलेट हो जाएंगे, तो SOFP हमारे लिए बनाना कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। यहाँ पर हम 2 कॉलम इसके ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर आ गया मेरा रुपीज़ और मेरा यहाँ पर भी आ गया रुपीज़, और यहाँ पे हम इसको पहले शो करेंगे अपनी इनकम्स। और मैंने आपको एक गाइडेंस दी थी बहुत अच्छा पहले कि आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। अब मैं यहाँ पे जो इसके रिसीट्स हैं ना, मुझे यहाँ से इसका अंदाज़ा हो जाएगा इसकी इनकम क्या क्या हो सकती है। तो सेल ऑफ बेवरेजेस इसकी इनकम हो सकती है, सब्सक्रिप्शन इसकी इनकम है, ज्वाइनिंग फीस इसकी इनकम है, स्पॉन्सर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी इनकम नहीं हो सकती, मतलब इसके पास 3 मेन सोर्सेज हैं। मैंने पूरा सवाल पढ़ा, मुझे पूरे सवाल में कोई इसका चौथा सोर्स इनकम का नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे इनकम के सोर्सेज कौन कौन से होंगे। ज्वाइनिंग फी वुड बी द सोर्स ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शन वुड बी माय सोर्स ऑफ इनकम, एंड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट लिखना है हमने फ्रॉम beverages, ये मेरा क्या होगा सोर्स ऑफ इनकम होगा। अच्छा इसमें से जो हमने ज्वाइनिंग फीस पढ़ा था वो था 50,000 पर मेंबर, क्या हमें इसकी वर्किंग करने की ज़रूरत है इसको अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास टोटल कितने मेंबर अब तक आए हैं, हमारे पास 112 मेंबर इस महीने आए थे, 98 हमारे पास अगले महीने आए थे, 101 उसके बाद आए थे, और 105 दिसंबर में आए थे हमारे पास अराउंड 416 मेंबर आए। इसको हम मल्टीप्लाई करें, जो हमारी ज्वाइनिंग फीस पर मेंबर थी वो थी 50,000 रुपये, जवाब क्या आता है 208,000। तो ये भी तो वही दिया हुआ है 208,000, हम क्योंकि हम रुपीज इन थाउजेंड में लिख रहे हैं उसको याद रखना। तो मीन्स ज्वाइनिंग फीस पे मुझे कोई किसी के वर्किंग की जरूरत नहीं है, जो उसने मुझे यहाँ पर मेंबर ज्वाइनिंग फीस गिवन की उसको मैंने पर मेंबर फीस को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मेंबर से, तो क्या आ गया मेरे पास टोटल ज्वाइनिंग फीस आ गई। और जो मैंने टोटल ज्वाइनिंग फी कैलकुलेट की वो और जो मुझे गिवन की गई है वो दोनों बराबर है, तो हम इसको लिख लेते हैं अभी रुपीज इन थाउजेंड हमारा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमारी। तो ज्वाइनिंग फी हमारी है जी 20,800, इसमें कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो मैंने फ़ौरन से लिख ली यहाँ पे। अब सब्सक्रिप्शन फ़ी पे मुझे वर्किंग बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं, इस पर भी बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं, तो बाद में काम करते हैं। अब देखते हैं यार क्या कोई जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें जो ईजी वर्किंग है वो ना हम पहले कर लें, तो हमने कहा सर ठीक है अभी कर लेते हैं। हमने एक्सपेंडिचर की हेडिंग दी और हमने देखा हमने खर्चे किए कौन कौन से हैं, तो खर्चों के लिए तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम अपनी पेमेंट साइड को देखेंगे। पेमेंट में सबसे पहले क्या आ रहा है, पेमेंट में सबसे पहले आ रहा है मेरे पास ए फर्नीचर एंड फिक्स्चर जो मैंने 1,200 के लिए, और जो है उसने मुझे पॉइंट नंबर 10 पे पाया जो मैंने फर्नीचर एंड फिक्स्चर लिए हैं 1200 के, तो उस पर 10% मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बट आई नो कि ये मेरा फिक्स एसेट है, इस पर डेप्रिसिएशन ही आएगी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो इजी वे है मैं डिप्रिसिएशन ले लेता हूँ, बहुत आसान काम है। डिप्रिसिएशन पहले मैं लेता हूँ फर्नीचर एंड फिक्स्चर, हमने 1200 रुपये का फर्नीचर लिया, 10% हमारा क्या है इसका डिप्रिसिएशन रेट है, बट ये तो है फॉर द ईयर, लेकिन हमने कब लिया है, हमने यकम फरवरी को लिए हैं,
तो हमारे पास है एसेट कितना सा इस्तेमाल हुआ, 11 महीने इस्तेमाल हुआ, तो हम इसको 11 बाय 12 कर लेंगे। तो हम इसको कैलकुलेट करें तो कितनी आती है हमारे पास, 1200 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 110 रुपये बनती है डिप्रिसिएशन किसकी, इसकी फर्नीचर की। तो जो पहली मैंने पेमेंट की थी वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको डिप्रिसिएट कर लिया। दूसरी मैंने पेमेंट की है वो है वैन की, और वैन भी मेरा एज यू नो कि हमारा ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और उसको भी हम डिप्रिशिएट करेंगे। उसका उसने हमें रेट गिवन किया है 20% पर डिप्रिशिएट करेंगे, और वो मैंने कितने के लिए, 1500 के लिए है। सो इसमें भी कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, वैन ली सॉरी डिप्रिसिएशन है, और यहाँ पे वैन आ जाएगी हमारी, वैन हमने वैन कितने की ली सर, उसने कहा हमने वैन 1500 रुपये की ली, 20% उसका डिप्रिसिएशन रेट है, और इसको भी हमने 11 मंथ्स का ही लेना है। तो उसको हम जल्दी से देखें, हम 1500 की हमने डिप्रिसिएशन ली, इसका रेट 20% है, और ये भी हमने 11 मंथ की लेनी है, तो ये बनेगी हमारी 275 क्या आ गई, डिप्रिसिएशन आ गई जो हमने चार्ज करनी है। तो ये तो मुझे लग गया पता, मैंने अभी सिर्फ वो देखा और मुझे लग गया पता। दूसरा है सैलरीज, वो मैंने पे की हैं सर 1000 पे की। तो देखो उसने हमें कोई पॉइंट गिवन किया सैलरीज का, यस उसने मुझे पॉइंट नंबर 4 गिवन किया, उसने कहा कि सैलरीज जो है वो 1000 रुपया है जो मैंने पे की है, बट उसने कहा कि हर अगले महीने की फर्स्ट डे को मैं पे कर देता हूँ, मतलब जो 31 जो फेब की सैलरी है वो 1 मार्च को पे की है, तो हम इसको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसने कहा द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड एन एडवांस ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 हमने एडवांस दिया है, तो एडवांस है तो ये तो हमने एडवांस पे कर दिया ना, ये हमारा भी एक्सपेंस नहीं था, ये तो हमने उस एम्प्लॉय से वापस लेना है, तो हमें ये सैलरी तो उससे लेस करनी पड़ेगी। तो सैलरीज में लेते हैं, सैलरीज उसने हमें गिवन की हैं वैसे 1000 रुपया, उस 1000 रुपये में उसने से कहा कि भाई साहब 10,000 हमने एडवांस दिया है, तो 10,000 को अगर हम सिंपल लें तो 10 हमने एडवांस लेस कर दिया, क्योंकि अभी मेरा रिसीवेबल है, ये मैंने अगर उसे रिसीव करना है, ठीक है। फर्दर ही टोल्ड अस के सैलरी जो है वो हम हर अगले माह की तारीख को पे करते हैं, इसका मतलब जो मेरी फोर द ईयर सैलरी बनी वो कितनी बनी, 990 रुपये बनी, और ये सैलरी है 10 महीने की। अब 10 महीने कैसे, क्योंकि ये मैंने खर्चा पे किया है 1000 रुपया, ये मैंने मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पे किया, और जो दिसंबर की सैलरी है वो मेरी क्या है, वो मेरी अभी पेएबल है। तो मुझे जो डाटा गिवन कर शो कर रहा है कि हर महीने की सैलरी मेरी सेम है, तो अगर मैं इस 990 को जो 10 मंथ सैलरी बनती है इसको मैं डिवाइड करूँ 10 पे, तो हर मंथ की सैलरी मेरी क्या बन 99, और ये 99 है ये दिसंबर का भी मेरा पेएबल है, तो ये क्या हो जाएगा 990 + 99 + 99 1089 हो जाएगा। अब ये पॉइंट इसमें मज़े का था, हम इस पॉइंट को फिर डिस्कस करते हैं। देखें उसने मुझे कहा कि भाई साहब 1 फेब से लेके 31/12 तक का उसने हमें डाटा गिवन किया, उसने कहा जो फरवरी के महीने की सैलरी है वो उसने मार्च में पे करनी है, मार्च की अप्रैल में एंड सो ऑन, और जो दिसंबर की सैलरी है वो कब पे होगी, वो अगले साल की जनवरी में पे होगी। हमने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे जो सैलरी एक्सपेंस पे किया है वो कितना गिवन किया, वो उसने 1000 रुपया गिवन किया। अब ये 1000 इसने गिवन किया, अब ये बात शो कर रहा है कि ये 1000 रुपया 11 महीने का नहीं है 10 महीने, क्योंकि दिसंबर की सैलरी अभी मैंने पे नहीं की। हमने कहा ठीक है। उसने खुद ही कह दिया, उसने कहा यार ये जो तुमने 1000 रुपया पे किए ना, इसमें से 10 रुपये हमने एक मुलाजिम को एडवांस पे किए हैं, तो एडवांस पे किए उसने कहा मैं तुम्हें 3 माह बाद 2 माह बाद रिटर्न कर दूंगा, तो एडवांस तो उसमें से हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये मेरा किस वक्त क्या है, ये मेरा रिसीवेबल है, ये यहाँ से इसका ताल्लुक ही नहीं है। तो ये एडवांस लेस किया तो कितना हो गया, 990।
मीन्स ये 990 क्या है, हमारा 10 महीने का पेरोल है, 10 महीने की हमने सैलरी ये पे की है। तो पर मंथ अगर मैं करूँ 990 को डिवाइड किया 10 पे, तो हर महीने मैंने कितना पे किया, मैंने 99 पे किया। तो इसका मतलब हर महीने की सैलरी मेरी कितनी है, 99 है। फेब की 99 हुई, मार्च की 99, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फेब की सैलरी मार्च में पे, मार्च की अप्रैल में, एंड सो ऑन पे करते गए। और दिसंबर में जो हमने 1 दिसंबर को सैलरी पे की थी, वो नवंबर की पे की थी। और दिसंबर की सैलरी क्या है, अभी स्टिल पेएबल है। और वो कितनी बनती है, 99 वो पेएबल है। तो हमने सूले पढ़ा हुआ है कि जो फॉर द ईयर एक्सपेंस हमने निकालना होता है, तो ये 1000 रुपये हमने एक्सपेंस पे किया, इसमें से 10 रुपया एडवांस है और 99 हमारा क्या है, अभी पेएबल है। तो पेएबल इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो एडवांस है वो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक बेसिक अरिथमेटिक का ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे आपका दिमाग का हाजिर होना लाजमी है, ठीक है, गॉट इट। अब हम अगला पढ़ते हैं। अब उसने रेंट पे की 3600 का, और रेंट में से कहा था कि रेंट उसने 3 साल का एडवांस में पे किया है। तो रेंट को भी हम क्या करेंगे, इसी बेस पे प्रोपोर्शनेट करेंगे। रेंट हमने पे किया 3600 का, अब ये 3600 का मैंने किराया पे किया, बट ये तो है 3 साल का। तो 3600 डिवाइड बाय 3 साल ये बना 1200। इस साल का किराया बनता है 1200, बट ये है फॉर द ईयर। और हमने तो यहाँ पे अभी 11 माह के लिए किराया लिया है ना बिल्डिंग, तो इसको हम 11/12 करेंगे। तो 1200 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 से और डिवाइड कर दें हम 12 से, तो ये बनता है 1100 रुपया। तो ये जो 1100 है, ये है रेंट फॉर द ईयर। इस 11 महीने का किराया क्या बनता है, 1100 बनता है। तो 3600 माइनस 1100, ये हमने क्या किया, 2500 हमने एडवांस पे किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपना एसेट शो कर रहे होंगे। तो इसमें से भी हम 2500 में से भी नॉन करंट और करंट को सेपरेट करेंगे। तो ये हमारा रेंट आ गया। उसके अलावा हम देखते हैं अगला हमारा खर्चा कौन सा है। उसने मुझे कहा कि भाई साहब हमने यूटिलिटीज पे की हैं 570 रुपये की। 570 की यूटिलिटीज़ पे करनी है, 0.4 मेरा हो गया, 0.5 मेरा हो गया, अच्छा जी रेंटल प्रमिसेस नहीं है, 0.7 यूटिलिटी से है। वो कहता है यूटिलिटी में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये तो डिपॉजिट है ना, ये हमने एडवांस जमा कराया, तो इसको सेपरेट करेंगे। और यूटिलिटी कंपनी को हम हर अगले महीने की 7 तारीख को पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये भी सेम क्या होगा, इसी पर्सपेक्टिव पे होगा जिस पे हमने सैलरीज की है। तो यहाँ पे क्या आया, यूटिलिटीज, इसने हमें यूटिलिटीज का खर्चा गिवन किया इतना 570 रुपये का, जिसमें से 20 रुपये हमने एडवांस दिया। तो फॉर द ईयर कितना बनता है, 550 बनता है। अब सीन वही है कि हम हर अगले महीने की 7 तारीख को पे करते हैं, तो इसका मतलब जो दिसंबर की यूटिलिटीज बिल है वो हमने इस माह पे नहीं किए, बल्कि क्या होंगे, वो अगले माह पे होंगे। सो विच मीन्स कि ये जो 550 रुपये हैं, ये किसका एक्सपेंस है, ये 10 महीने का है, पर मंथ 55 होता है, और दिसंबर का भी हमारा पेबल है, तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे 55 रुपये। तो ये बनेगा 550 प्लस 55, 605 रुपया एक्सपेंस बनते हैं यूटिलिटीज़ के, तो हमने वहाँ पर नोट डाउन कर लिए। उसके बाद है इंश्योरेंस 120 रुपये का, और ये पॉइंट नंबर 8 शो कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम वो पेड ऑन फर्स्ट कवरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इंश्योरेंस हमने इंश्योरेंस पे की 120 रुपये की, लेकिन ये 12 महीने की, और हमने 11 माह भी कवर की है, तो एक महीने की हमने जो इंश्योरेंस है वो एडवांस पे की हुई है। तो एक महीने की इंश्योरेंस कितनी बनती है हमारी, देखें इसको हम 120 डिवाइडेड बाय 12, तो 10 रुपये। तो 10 रुपये हमारी प्री पेड इंश्योरेंस है, वो हम इसमें लेस कर देंगे, तो 110 रुपये बनता है इंश्योरेंस हमारा फॉर द ईयर एक्सपेंस, ठीक हो गया ये भी। उसके बाद है जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉइंट नंबर 9। उसने क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस 275 के हैं हमारे जी। उसने क्या इसमें से हमने 100 रुपये का एक पार्किंग शेड का एडवांस दिया। अब जो पार्किंग शेड है वो तो एक हमारा कैपिटल एसेट्स है, वो हम इसमें से लेस करेंगे। और जो 7 रुपये हैं वो हमारे क्या हैं, 7000 रुपये मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, वो हमने पे करने हैं।
तो अगर हम लेंगे अब यहाँ पे रिपेयर को, रिपेयर हमने कितने देने थे, रिपेयर हमने 275 देने थे, इसमें से 100 रुपये तो हमने दिया एडवांस, वो है पार्किंग शेड का, वो तो उसमें लेस हो जाएगा, और 7 रुपये मेरा पेबल है वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 175 प्लस 7 ये हो जाएगा 182। तो ये तो जो उसने मुझे गिवन की है क्रेडिट साइड वो मैंने कर ली। एक्सपेंसेस तो मुझे एक्सपेंसेस आसान लग रहे थे तो ये भी हो गया, और मुझे कोई ख़र्चा गिवन नहीं लग रहा है यहाँ पे स्वाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अच्छा जी, अब रह गई हैं दो चीज़ें कैलकुलेट करने वाली। तो देखा जाए पेपर में अगर मुझे सवाल आया तो मैं एक्सपेंसेस तो मेरे लिए यहाँ पर डील करना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जहन को अगर आपने हाजिर नाजिर रखा हो ना, अगर आप पहले अकाउंटिंग के बुनियादी पेपर्स में अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके हैं तो आपके लिए सवाल करना कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल यहाँ पे प्री पेमेंट और अक्रूवल का कंसेप्ट था कि हमने प्री जो पेड एक्सपेंसेस थे उनको हमने सेपरेट करना था यहाँ से, जो यहाँ से रिलेट नहीं कर रहे थे, और जो पेएबल्स थे वो हमने निकालने थे। चलें वो हमने कर लिया। अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई, एक हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम रह गई है और दूसरा हमारे पास रह गया है जी सेल ऑफ बेवरेजेस। तो सब्सक्रिप्शन इनकम पे मुझे अभी लग रहा है थोड़ा सा मसला, क्योंकि इसमें मुझे एनुअल सब्सक्रिप्शन है और ज्वाइनिंग भी मंथ वाइज है, तो वो हम ज़रा बाद में करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम बेवरेजेस की सेल निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अपने जो वर्किंग नंबर 2 है उसको यहाँ पे लेके चलते हैं। वर्किंग नंबर 2 ये है नेट प्रॉफिट बेवरेजेस। चलें, उसने हमें सेल्स गिवन की हैं कितने की, 1500 की। हम यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। पहले हम ज़रा पढ़ लें उसने क्या, उसने सेल्स हमें गिवन की जो रिसीड हुए हैं, सॉरी रिसीड 1500। अच्छा, उसने कहा है कि द क्लब सेल्स एट दिस सेल, ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड द पेमेंट इज रिसीव इन द सेम अमाउंट। सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग दिस अमाउंटिंग टू रुपीज दिस। ठीक है, अब सीट क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जिस माह सेल करेंगे हम उसका बिल अगले माह बेचेंगे, और जिस माह हम उसका बिल भेजेंगे उसी माह क्या होगा हमारा, वो आ जाएगा। गॉट इट जी, गॉट इट। ठीक है, इसका मतलब दिसंबर की जो सेल्स की गई हैं उसका बिल क्या आएगा, जनवरी में आएगा। तो जो 150 की सेल्स हैं वो तो इसमें शामिल ही नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पे शामिल किया हुआ है रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब है जो उसको हकीकतन पैसा मिला है, तो यहाँ पे तो उसको अभी पैसा ये मिला नहीं, बट उसकी सेल तो है, दिसंबर की सेल्स हम यहाँ पे इसलिए ऐड करेंगे। तो 1500 इसको क्या हुआ था, रिसीट हो चुका था, और जो दिसंबर में इसने सेल की है 150 की, वो अभी इसने रिसीव करना है। तो जो इसकी टोटल सेल बन रही है वो 1650 रुपये बन रही है। ठीक है, अब इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल लेस करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है कि हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस को, हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये हमने सारा कुछ यहाँ पे इसका करना है। जब इसके बारे में हमें कहता है कि 25% ऑफ टोटल परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन अनसोल्ड एट ईयर एंड, कि जो 25% परचेजेस हैं वो हम उसको बेच नहीं पाए। अब उसने जो परचेज का बिल दिया है वो कितना बिल दिया है, उसने 1367 का उसने बिल पे किया है परचेजेस का। अच्छा, हम यहाँ पे अगर देखें 0.3 पे, यहाँ पे चीज़ मिस हो गई है गलती से, यहाँ पे जो उसने परचेजेस फॉर द ईयर की थी वो है 1670, वो हमने यहाँ पे लेनी है। तो उसने जो परचेजिंग की है, ओपनिंग स्टॉक उसका है नहीं, इसने जो परचेजिंग की है वो है 1760 फॉर द ईयर। इसने कहा था भाई ये इसने स्टॉक परचेज किया है फॉर द ईयर, हमने कहा ठीक है। और उसने कहा था कि जो इसका स्टॉक का 25% है कि 20% 25% ऑफ टोटल परचेजेस
रिमेन्ड अनसॉल्व. तो हम 1760 का अगर हम 25% लें तो ये बनता है 440. इतने हम स्टॉक नहीं बेच पाए. इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल बन रही है वो कितनी बन रही है, 1760 लेस 440, ये बनेगा 1320. 1320 को हम यहाँ पे लेस करवा दें कॉस्ट ऑफ सेल से तो ये आ जाएगा 1650. ये हो जाएगा 330 का क्या हुआ इसको प्रॉफिट आया. तो हम ये उसकी जो उसने सीजी रेशियो गिवन की है वो हम उससे भी गिवन कर सकते हैं. उसने हमें गिवन किया कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% है. मीन्स ये 20% होना चाहिए, कॉस्ट हमारी 80% होनी चाहिए और मार्जिन है और मार्जिन जिस पे बेस कर रहा होता है हमारा कॉस्ट पे बेस कर रहा होता है. तो यहाँ पे जो हमारी जो मार्जिन है वो हमारा सेल्स के ऊपर बेस कर रहा होता है. तो यहाँ पे हमारा सेल्स क्या होगा, हमारी 100 होगी. तो इसका मतलब कि अगर हम 100 रुपये की सेल करें ऊपर हम 20 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं तो ये सीन हम यहाँ पे देखना चाहते हैं. या अदर वर्ड, हम 100 रुपये की सेल्स में 20 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं, ये इसने एक्चुअल कहा है. तो हम अगर सेल्स निकालें तो हम सेल्स की मदद से भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं. जैसे अगर 1650 100% को शो कर रहा है तो इसका अगर हम ले लें 20% तो वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा प्रॉफिट बनेगा. तो अगर मैं इस 20% की बेसिस के ऊपर क्या कर सकता हूँ, अपनी कॉस्ट निकाल सकता हूँ. कैसे, इसको मैं अगर 0.2 से डिवाइड करूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ 0.8 से तो मेरे पास क्या आ जाएगी, और 0.8 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी. तो हम इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह भी निकाल सकते हैं. तो अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल जब हम निकालेंगे तो हमने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे अब मेरा पे बस और रिसीवेबल्स के अकाउंट भी बनाए जाएंगे. वो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे हम वर्किंग कर लेते हैं. हम यहाँ पे वर्किंग वन करेंगे, 1 2 है और 1 करेंगे पेएबल्स के अकाउंट से. तो पेएबल्स का मेरे पास ब्रॉड डाउन तो कोई है नहीं था. हमने कैश इनको पे किया था कितने का, 1367 का. हमने एंट्री अप की पेएबल्स डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैश मेरा यहाँ पे हो जाएगा कितने से शो, 1367 से शो हो जाएगा. और जो मैंने फोर द ईयर परचेजिंग की थी वो कितनी थी, परचेजेस मैंने की थी ये 1760. तो 1760 यहाँ पे आ गया मेरा, इधर भी मेरा 1760 आ गया. तो बैलेंस फिगर मेरी आ जाएगी वो मेरा क्या होगा, कैरीड ऑन होगा 393. ये मेरा स्टिल क्या है, ये मेरा पेएबल है. तो ये मेरा रिसीवेबल है और वो मेरा पेएबल है, दोनों मैंने क्या कर लिए यहाँ पे इजीली कैलकुलेट करवा लिए. तो 330 प्रॉफिट जिस मैंने इससे कमाया हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 330 रुपये हमने प्रॉफिट अर्न किया. गॉट इट, मैंने कहा जी ठीक है गॉट इट. अच्छा, अब हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई है जो मुझे लग रही थी मुश्किल है, हम उसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वो है हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम. अब हम सब्सक्रिप्शन इनकम की वर्किंग बनाने लगे हैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 के नाम से. अच्छा, सब्सक्रिप्शन इनकम को जो उसने हमें गिवन किया, उसने हमें पॉलिसी कहा था कि हर मेंबर 24,000 रुपया करेगा, एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करेगा और 3 साल की एडवांस पे करेगा. मैं लिखे तो यहाँ पे 24,000 क्या है उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन है और वो हर मेंबर कितना पे करेगा, 3 साल के एडवांस, मतलब ईच मेंबर पे करेगा कितना, 72,000 पे करेगा फॉर 3 ईयर्स. और जो पर मंथ बनती है, अगर 24,000 और द ईयर हो 12 में डिवाइड करें तो 2,000 क्या बन रही है, पर मंथ सब्सक्रिप्शन बन रही है. अब हकीकत में सीन क्या हो रहा है हमारे साथ कि जब भी एक मेंबर हमारे इस क्लब में एंटर हो रहा है तो वो जो हमें कैश पकड़ा रहा है वो कितना पकड़ा रहा है, वो 72,000 रुपया कैश पकड़ा रहा है.
और वो चाहे जिस मर्जी तरीक को एंटर हो, ये 72,000 रुपया का दे रहा है, वो 3 सालों के लिए दे रहा है। तो इस 72,000 रुपये में से मैंने इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। मैंने इसे निकालना है 4 द ईयर इनकम निकालनी है, फिर मैंने इससे जो अगले साल की इनकम है उसमें से करंट पोर्शन निकालना है, जो मेरी लायबिलिटी होगी एक करंट लायबिलिटी, और जो इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी का पोर्शन होगा वो निकालना है। तो ये इनकम मेरी फोर द ईयर अर्न है, और ये मेरी अभी अर्न्ड इनकम है जो मैंने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक जो हमारा है अब इसमें ये है कि 72,000 को हमने इस तरह करना है। अब ये अगर ज्वाइनिंग डेट सेम होती तो मसला कोई नहीं था। अब अजाब हकीकतन क्या है कि ज्वाइनिंग डेट वेरी कर रही है, मेंबर्स भी वेरी कर रहे हैं और ज्वाइनिंग डेट भी वेरी कर रही है। तो इसको हमने अब सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। किस तरह करेंगे, हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। चलें इसको हम सॉल्व करने के लिए मैं आपको टेबल सिखा देता हूँ, आप टेबल की मदद से करें आपको मज़ा आएगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए। हम यहाँ पे मंथ्स लिखते हैं। मंथ्स इसने हमें दिए हुए हैं मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। मंथ्स हमारे पास है जी मार्च, जून, दिसंबर, ये उसने हमें मंथ्स गिवन किए हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, मार्च में उसने 112 ज्वाइन किए, फिर 98, फिर 101, फिर 105। हम इनके नंबर ऑफ मेंबर लिख लेते हैं। मार्च में 112 ज्वाइन थे, इसमें 98 थे और इसमें 105 थे। कन्फर्म कर लें, सॉरी 101 थे, अगर मैं गलती करता तो मेरा पूरा सवाल गलत हो जाना था। 101 और 105 जो टोटल मेंबर्स ने ज्वाइन किया वो कितने, 112 प्लस 98 प्लस 101 प्लस 105, तो 416 मेंबर्स ने क्या किया है, ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला कॉलम बनाते हैं नंबर ऑफ मंथ्स का। जिसने मार्च में ज्वाइन किया वो हमारे ईयर एंड पे कितने मंथ्स में रहा, सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 10 महीने की उसकी सब्सक्रिप्शन इनकम बनती है। जिसने जून में ज्वाइन किया वो कब तक रहा हमारे पास, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसकी 7 महीने की इनकम बनती है। जिसने सितंबर में ज्वाइन किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके 4 माह की हम इनकम लेंगे सब्सक्रिप्शन, और जिसने दिसंबर में ज्वाइन किया उसकी हम 1 माह की इनकम लेंगे। ये मेरे पास हो गया। अब ये मैंने करने का मकसद क्या है कि अपोर्शनमेंट फॉर द ईयर मुझे क्या हो उसकी आसान हो जाए। ये इसको हम बी कॉलम कह देते हैं। और अब यहाँ पे हम थर्ड कॉलम बनाएंगे, वो है सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। इसको हम कहते हैं कि ये सी है, ठीक है। और सी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय 2000। अब ये कैसे, नंबर ऑफ मेंबर्स को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करें, और हमारी पर मंथ सब्सक्रिप्शन कितनी है, 2000, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसका जवाब मिलता जाएगा। जैसे 112 मेंबर्स थे हमारे, वो 10 महीने के लिए उनकी सब्सक्रिप्शन इनकम बनती है, और इनकी इनकम है जी 2000, तो ये बन जाएगी मेरी 224000 फिर उसके बाद 98 मेंबर्स, वो हमारे पास उनकी इनकम ड्यू होती है 7 महीने की, 2000 बनती है, ये हो जाएगी 137000। फिर 101 मेंबर्स ने इस समय सितंबर में ज्वाइन किया, इनकी सब्सक्रिप्शन इनकम 4 माह के बनेगी, और पर मंथ से हमें कितना दे रहे हैं, 2000 इनकी हम लेंगे, तो 808 रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। और 105 मेंबर ने ज्वाइन किया, इनकी तो इनकम बनती ही कितने की है, इतने मंथ की बनती, 1 माह की बनती है, तो 105 के हिसाब से 2000 इनकम हम रिकॉर्ड करें, तो ये 210000 बनती है। अगर हम इसका सम कर लें तो ये बनेगा जी 224000
ट्रिपल जीरो प्लस 1372000 प्लस 808000 प्लस 210000। तो ये बनती है 4630000। सर ये है इसकी सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर जो हम कैलकुलेट करने चाहते हैं। यहाँ तक तो मेरी कहानी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा आसान हो गई है कि यार इसमें अब मुझे कोई ऐसा सच मिस्टेक या मुश्किलात वगैरह नहीं है। तो इसको तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा आराम से, 4630000 जो मेरी आई थी वो मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो याद आएगी मेरी 4630000 है। हम देखते हैं रुपीज़ इन थाउजेंड में तो याद आएगी 4630 आ जाएगी। तो हम इसका सम कर लें, 20,800 जमा 4630 जमा 330 ये बनेगा 25760 और हम एक्सपेंसेस को अगर हम सम कर लें यहाँ पे ये बनेंगे हमारे 3471। तो अगर हम लेस करें 25,760 में से 3471 लेस करें, इसमें से अगर हम लेस करें 25,760 तो 22,289 ये क्या है इसका सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स हैं। तो जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो तो हमने यहाँ पे कर ली। सो इस पर्सपेक्टिव से, सब्सक्रिप्शन इनकम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा टेक्निकल इस हवाले से था कि बाकी तो कोई मेरे ख्याल से इसमें चीज़ मुश्किल नहीं थी निकालना, वो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा दूसरा इसका अब है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉर्ड करना। तो वैसे तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि आपको मैं फाइनेंशियल पोजीशन करवाऊँ, बट इतना मैंने सवाल करवा लिया तो मैं अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको रिकॉर्ड करवा लेता हूँ, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। तो हम अब करते हैं बी, इसकी रिक्वायरमेंट हम बना लेते हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। अब नाम इसका क्या था, इसका नाम था सी व्यू क्लब 31 December 2015। इसकी हमने अब ये बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दो कॉलम में बना लें या एक कॉलम में बना लें आप पे डिपेंड करते हैं। प्रेजेंट अच्छा करने दिल कर रहा है, टाइम अच्छा है, सवाल है तो दो कलम कर लीजिए, अदरवाइज एक कलम में चलेगी आपकी। अच्छा जी हम यहाँ पे मैं तो दो कलम में बना लेता हूँ, मेरे पास टाइम है, टाइम है। यहाँ पे हम शो करेंगे पहले इसकी कैटेगरी एसेट्स की, और एसेट्स में हम लिखेंगे सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स की हम बात करते हैं सबसे पहले। नॉन करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, एक मैंने चीज़ मुझे याद है कि मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में दिया था 1,00,000 रुपया शेड का एडवांस, वो तो मेरा नॉन करंट में आना, क्योंकि वो जो पार्किंग शेड है वो एक किस्म की क्या होती है हमारा तो वो कंस्ट्रक्टिव मटीरियल होता है तो वो तो पाएगा, और इसकी कोई रेट नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ एडवांस फॉर पार्किंग शेड, मैं इसको फौरन लिख लूँगा। अब मैं उस तरह लिखता रहूँगा जो मुझे चीज़ें याद हैं। तो एडवांस फॉर पार्किंग शेड 1,00,000 का दिया,
एक इसने लैंड भी लिया था अगर मैं भूल नहीं रहा तो। हाँ जी, इसने कहा था कहीं पे इधर पॉइंट नंबर 6 में कि रेंटल प्रेमिसेस में काम कर रहा है, बट उसने प्लॉट ले लिया है जिस पे कंस्ट्रक्शन कमेंस हो जाएगी जल्दी और टाइटल ऑफ लैंड होगा बाद में ट्रांसफ़र, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। और उसने क्या कहा था, कितने का उसने लिया है लैंड, उसको हम देख लेते हैं। एडवांस फॉर प्लॉट 65,000 का लिया था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसे क्या, एक अभी इस पे काम चल रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, और एक कह देंगे एडवांस फॉर प्लॉट, और ये कितने का, 65,000 का होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे गलत कर रहा था जो मुझे याद आया कि हमने तो रुपीज़ इन थाउजेंड लेने हैं, तो 65,000 ठीक है, लेकिन जो मैंने पे किया वो 1,00,000 रुपया पे किया था एडवांस शर्ट का, तो इसलिए इसका मैं 1,00,000 नहीं लिखूँगा बल्कि यहाँ पे 100 लिखूँगा। और अगर मैंने यहाँ पे 1,00,000 लिखा तो मेरी बैलेंस शीट टैली होनी नहीं, क्योंकि ये जो 65,000 गिवन है ये मुझे पहले क्या गिवन है, फिगर इन थाउजेंड में गिवन है, तो ये 65 मिलियन है, बट इसको हम 65,000 इसलिए लिख रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपने फिगर कैलकुलेट की है वो कैसा लिख रहे हैं, ऊपर आपने हेडिंग क्या दी हुई है। तो ये मेरा क्या आ गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। उसके बाद जो फिक्स एसेट्स है डिप्रिसिएशन के, हमने लिया था फर्नीचर एंड फिटिंग 1,200 रुपये की, उस पर थी डिप्रिसिएशन चार्ज की थी 110 की, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग 1,200 रुपये के लिए थे, और इसको हमने डिप्रिशिएट कितना किया था, 110 का डिप्रिशिएट किया था, तो ये हम कितने के शो कर रहे होंगे, ये हम 1,090 के शो कर रहे होंगे। उसके बाद वैन, वैन हम ले थे कितने की, 1,500 की, और 275 के डिप्रिशिएटेड है। वैन वैन हमने ली थी 1,500 की और 275 की हमने डिप्रिशिएट किया, तो 1,225 इसकी बनती है नेट बुक वैल्यू जिसमें हम इसको शो कर रहे होंगे। उसके बाद जो डिपॉजिट होते हैं वो भी हमारे नॉन करेंट एसेट होते हैं, तो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था बिल वालों को 20,000 रुपये का, वो भी मेरा क्या होगा, वो मेरा यहाँ पे आएगा, देखिए वो 20,000 गिवन की है, तो यहाँ पे मैं इसको 20,000 लिखूँगा तो गलत कर दूँगा, क्योंकि मैं ऊपर फिगर ले रहा हूँ रुपीज़ इन थाउजेंड की, तो रुपीज़ इन थाउजेंड में क्या यहाँ शो किया रहेगा 20, क्योंकि ऊपर मैंने क्या लिखा होगा इन थाउजेंड, तो ये क्या कहते हैं इम्प्लिसिट बात है कि ये 20,000 का लिखा होगा, तो ये गलतियाँ आपने अवॉइड करनी है। उसके अलावा हमारे पास प्लॉट भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, वैन भी हो गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो गया, एडवांस फॉर पार्किंग शेड भी हो गया, कोई और नॉन करंट है हमारा। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रेंट की बात करें, रेंट हमारा नॉन करंट एसेट है, क्योंकि हमने 3 साल का एडवांस दिया था रेंट में, और हमें पता होता है कि कोई भी ऐसा एसेट जिसकी लाइफ 12 साल से ज़्यादा हो, या कोई भी ऐसी पेमेंट एडवांस जो हमने पे किया हो जो 12 साल से ज़्यादा 12 माह से ज़्यादा अर्से का हो, वो मेरा क्या होता है, वो मेरा ये बनता है फॉर द ईयर जाता है, वो मेरा नॉन करंट एसेट होता है। तो हमने 3600 रेंट दिया था ये 3 साल का एडवांस, जिसमें से 1100 मैंने इनकम एक्सपेंडिचर को चार्ज कर दिया, तो मैंने नॉन करंट पार्ट निकालना है रेंट का, तो रेंट हमने जो लिया था 3600 मैंने एडवांस में रेंट पे किया, ठीक है, इसमें से 1100 जो है था वो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर दिया, और 3600 था 3 साल का रेंट, हर महीने का रेंट बन रहा था हमारा 100 रुपया, तो साल का रेंट बनता है 1200 रुपया, तो 1200 रुपया तो हम यहाँ पे रेंट लेस कर देंगे, ये हमारा फोर्थ द ईयर है, तो 3600 लेस 1100 जो मैंने एक्सपेंस आउट किया, लेस 1200 जो रेंट पोर्शन है, तो ये बनता है 1300, तो 1300 का जो रेंट है वो मेरा क्या बन रहा है, वो मेरा नॉन करेंट में शो होगा। इसके अलावा तो मेरे ख्याल कोई नहीं था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे करेंट एसेट्स। अच्छा जी, करंट एसेट्स की बात करो तो अभी रेंट लिखा है, मैं सबसे पहले इस रेंट को ही लिख लूँगा, क्योंकि जो करंट पोर्शन रेंट का बन रहा है वो मेरा 1200 बन रहा है, जो मेरा अगले साल का एक्सपेंस है 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से, वो मैंने लिख लिया। इसके अलावा कोई है, अब हम बाकी जाके उसको देखेंगे।
रेंट करंट एसेट्स में हम यहाँ पे एक इसने गिवन किया था बैलेंस 27620 रिसीट एंड पेमेंट का, इसे हम कैश या बैंक लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख लूँगा बैंक लिख सकते हैं। चलें 27620 ये हमारा यहाँ पे आ गया। और इसके अलावा यस हम अगर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाएं, ये वाले इस पे हमने कहा था कि यार ये मेरा अभी रिसीवेबल है 150, एक ये और एक ये क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों मेरे एसेट्स हैं, तो 150 और 440 मेरे करंट एसेट्स हैं, तो रिसीवेबल आ जाएगा इसमें, रिसीवेबल है मेरे जी 150 के और क्लोजिंग स्टॉक है 440 का, वो भी मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें इधर 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 यहाँ पे ब्रेक मारनी पड़ेगी, ये सैलरीज हमने एडवांस में पे की थी, ये उसने हमें फेब में रिटर्न करनी है, तो ये जो मेरा करंट एसेट है लिखो सैलरीज 10 रुपये की, और एक और यहाँ पे पंगा था इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस थी 12 महीने की और हम हैं 11 महीने के, तो ये जो एक मंथ की इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे की हुई है भी मेरा है, क्या होगा एसेट होगा, तो ये क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे इंश्योरेंस आ जाएगी और वो इंश्योरेंस मेरी बनती होगी 10 की, तो इंश्योरेंस भी आ गई हमारी, ठीक है। हमने बैंक का बैलेंस भी ले लिया, फिर हमने रिसीवेबल भी लिख लिया, हमने स्टॉक भी लिख लिया, हमने रेंट भी लिख लिया और हमने सैलरीज भी लिख ली। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई करंट एसेट या कोई भी एसेट के कॉलम नहीं है। अब हम इनका करते हैं, इनका हम यहाँ पे अब सबका सम कर लेते हैं। पहले हम सम करेंगे नॉन करंट एसेट्स का, तो इसका अगर हम सम करें ये बनता है जी हमारा 100 प्लस 65,000 ये बनेगा हमारा 68735 और अगर हम इसका सम कर लें यहाँ पे ये बनेगा हमारा 29430 और इसमें अगर हम ऐड कर लें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को तो ये बनेगा हमारा 29430 प्लस 68735 ये बनेगा 98165 ये है मेरे टोटल एसेट्स 98165 मैं क्या कह दूंगा इन्हें फिर टोटल एसेट्स कह दूंगा, रिकॉर्ड कर लिए। अब हम बनाएंगे अपनी इक्विटीज़ का और लाइबिलिटीज़ का पोर्शन, यहाँ लिख लेंगे हम इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो आएगा हमारा जनरल फंड और वो उसने हमें बताया था क्लब हमने स्टार्ट किया था 50 मिलियन टूवर्ड्स जनरल फंड, तो 50 मिलियन को अगर रुपीज इन थोड़े में लिखे तो हमारा 50,000 बनता है, याद रखना आपने। तो जनरल फंड पे हमने कितना हमें बैलेंस मिला था जनरल फंड में, अगर हम स्पॉन्सर्स कंट्रीब्यूशन देखें वो हमें कितनी मिली थी 50,000 रुपये की, जो हमने भी सरप्लस निकाला है वो कितना आया हमारा, वो आया है हमारा 22289 का, 22289 अगर हम इसको सम कर लें बनेगा हमारा 7228, ये तो हमारा इक्विटी का पार्ट हो गया। अब हम ज़रा अपनी
लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। इधर आ जाएगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में एक ही चीज़ में लग रही थी सब्सक्रिप्शन, और जिसमें अभी हमने कैलकुलेशन करनी थी तो उसको ज़रा हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन जो हमें एडवांस मिली थी उसको अभी हम देख लेते हैं, और रेफरेंस हम यहाँ पर देते हैं जो हम वर्किंग मन में कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, हम ज़रा करंट लाइबिलिटीज़ जो ईजी हैं वो देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें इसमें भी हमारी सब्सक्रिप्शन आती है, तो इसको भी हम वर्किंग मन में भी देखते हैं जाके। अच्छा, इसके अलावा जो पेएबल सी चीज़ें हम उनको लेते हैं, सैलरीज एक हमारी पेएबल आ रही थी, उसके अलावा हमारा यूटिलिटीज़ का एक पोर्शन था जो पेएबल था, उसके अलावा देखते हैं हम। चलिए, सैलरीज हमने पे करनी है 99 की, यूटिलिटीज़ हमने पे करना था 55 रुपये का, और रिपेयर हमने यस 7 रुपये की हमने रिपेयर्स भी पे करनी थी। तो 99, 55 और 7, ये हमने हमारा पेएबल आ रहा है अगले साल हमने पे करना है। तो सैलरीज हमारी पेएबल थी 99 के हिसाब से, यूटिलिटीज़ हमारी पेएबल थी 55 के हिसाब से, और रिपेयर्स के हमने देने थे 7 रुपये। उसके अलावा एक और हमारा पेएबल सीन था, वो था क्रेडिटर्स का। अगर हम उसको क्यों भूलें, हमने यहाँ पे निकाले थे कि पेएबल्स का जब अकाउंट बनाया, ये हमारा कैश था जो पे किया, इतने की परचेज किया, इतना हमारा क्या था, पेएबल था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल निकालेंगे, 393 करंट लाइबिलिटी में डाल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्रेडिटर्स, वो कितने हैं, 393 बनती है। तो ये भी हमारा हो गया। अब इसका मैंने सम निकालना है, और मेरे पास सब्सक्रिप्शन सिर्फ रह गई है, नॉन करंट सब्सक्रिप्शन और करंट सब्सक्रिप्शन निकालना। तो हम वापस चलते हैं जी अपने सब्सक्रिप्शन के अकाउंट पे, जो हम यहाँ पे बना रहे थे ये, ठीक है। अब हम इसको इजी वे में करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देखें जी। मुझे मेरे पास टोटल मेंबर आए थे 416, इन्होंने मुझे पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दी 72,000, जो बनती थी 416 मल्टीप्लाई बाय 72,000, वो बनती है 299,522,000, 299,522,000 ये मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी। इसमें से जो मेरा करंट ईयर का इनकम का पोर्शन था वो जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अगर मैं इसमें से लेस करूं तो ये मेरे पास बचती है इनकम 25,322,000, ठीक है। अब ये मेरी जो है, ये मेरी एडवांस सब्सक्रिप्शन है जो मुझे दी गई थी, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन मेरी फॉर द ईयर थी वो मैंने यहाँ पे देख लिया कि यार ये मेरी सब्सक्रिप्शन क्या है, ये फॉर द ईयर है। हमने कहा ठीक है, अब ये है मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब इस एडवांस में से हमने करंट पोर्शन सेपरेट करना है और नॉन करंट करना है। अब करंट पोर्शन जो है वो तो भाई सिंपल थी है, हमारे पास मेंबर कितने हैं 416, ये जो 72,000 हमें इनकम मिली थी ये मिली थी हमें 3 साल की, 1 साल कितनी बनती है 24,000, तो 416 मेंबर्स ने अगर हमें दिया हो 24,000 रुपया तो ये कितना बनता है देख लें, 416 मल्टीप्लाई बाय 24,000 ये बनेगा हमारा 998, ये करंट हमने निकाल ली। अब 253,22,000 में से हम अगर लेस कर दें 998,4,000, ये बनेगा
15338000। तो ये क्या है, हमारा नॉन करंट पोर्शन है। तो ये चीज बड़ी सिंपल थी। देखिए, हमने देखा कि हमें टोटल जो 416 मेंबर ने पैसा दिया वो कितना दिया, वो इतना दिया। इसमें से जो फॉर द ईयर इनकम थी वो हमने निकाल दी। बाकी ये जो इनकम, ये जो पैसे बच रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन, ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन जो हमारी अर्न्ड है, और ये हमारी लायबिलिटी है। इसमें से जो करंट लायबिलिटी है जो 2016 अगले साल के लिए है, वो तो बनती है जी पर ईयर 24,000 रुपया। तो हमने 24,000 इंटू नंबर ऑफ मेंबर किया, उसको लेस कर दिया, बाकी मेरे पास क्या आ गए, मेरे पास नॉन करंट आ गए, वो कितने बनती है 15338000 बनती है, और वो बनती है मेरी 9984000। तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लें। नॉन करंट हमने निकाली थी, हमारी आई थी 15338, ये मेरी आई थी 9984। अब हम इसका सम करें तो ये तो हमारे पास आ जाएगा ऐसे ही 15338। तो इसका अगर हम सम करना चाहें यहाँ पे तो कर लेते हैं, अभी ये बनेगा 98165। तो हमारे टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज क्या हो गई, बराबर हो गई। सो सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो ये अच्छा सवाल था, मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को, खासतौर पे प्री पेमेंट और अक्रूवल को मजबूत करता था। तो इसमें सब्सक्रिप्शन इनकम की जो टेक्निकलिटी थी वो मैंने आपको समझा दी कि अगर हम उसको इस टेबल की मदद से करते तो हमारे लिए फॉर द ईयर इनकम निकालना कोई मुश्किल नहीं था, तो उस इनकम से करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन निकालना भी मुश्किल नहीं था। तो ये इस चैप्टर के हवाले से टेक्निकल टॉपिक कम था, ज़्यादा ये लेबोरियस टॉपिक था। अब इसमें आप देखें, आप इसमें सब्सक्रिप्शन इनकम की गलती कर सकते थे, और मैक्सिमम गलती इसमें सब्सक्रिप्शन इनकम की पॉसिबल थी, बाकी चीज़ें आसान थी, बाकी क्रूअल प्री पेमेंट सारा कंसेप्ट था। तो आप बुरी से बुरी भी एफर्ट करते, टॉपिक पढ़ा होता, तो आप इस 20 में से एटलीस्ट 12 to 14 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन था जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 CAVU क्लब के हवाले से। तो मैंने सिर्फ डिस्कस करना था, बट इतना बीच में इन्वॉल्व हो गया कि मैंने पूरा सवाल जवाब करवा दिया। तो इसमें कोई इशू हुआ मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।